जी जनाब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुसी जनाब इस टाइम देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल देसी लोग। असी जनाब, मैं मलक इरफान और मियाँ रियाज अहमद की तरफों जनाब तमाम दोस्तों बुजुर्ग अजीजा मित्रा बेलियां देसियां परदेसियां जनाब साडी तरफों ज़्यादा ज़्यादा ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम। असी जनाब इस टाइम तुहानू लै के आए हैं जग्गू ऐड। इत्थे जनाब जैसा कि गर्मी भी है और अज ईद का दूसरा दिन है तो आवाम जी जनाब इत्थे इंजॉय कर रही है, मज़ा लै रही है आवाम। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आवाम जी इत्थे जग्गू ऐड ते इस टाइम आई है इंजॉय करने वास्ते। जैसा कि गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब पाबंदियां लाइया ने पार्कों वगैरह ते और तमाम रश वाली जगह पर पाबंदियां लाइया ने और आवाम जी सारी आवाम ने रुख कर लिया जनाब जग्गू ऐड का। इत्थे जनाब असी जी आवाम नाल गप शप भी लावांगे और वहावांगे आवाम इत्थे किस तरह इंजॉय कर रही है। जैसा कि थल्ले तुसी देख दे पे कुछ दोस्त जड़े ने वो इत्थे इंजॉय कर रहे ने, नहा रहे ने, ठीक है। और कुछ लोग दोस्त अहबाब जड़े ने वो वीडियो की शूट कर रहे ने और टिकटॉक वगैरह बनाते ने पे। तो इत्थे भी जनाब साढ़े कोल इक दोस्त आए ने, इन्हां नाल जनाब असी गल करांगे। हम आ रही है लड़के आ रहे ने, इन्हां नाल जनाब असी गलबात करने आ। भाईजान बगैर टिकट तू तो नहीं चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। कितों आए हो? गुजरात तू। गुजरात केड़ी जगह तू? गुजरात सदवाल, सदवाल ब्राह्मणा। अच्छा, माशाल्लाह मुछा बड़ियां सोनिया रखी है मेरे वीर ने। अच्छा, ते इत्थे की करन आया तुसी? इत्थे बस नहाण छाण आए सर। नहाण आया ते तुहाडे उत्थे कोल को नहीं कोई निजाम ऐसा परा चनाब है? नहीं कोनी, पर पै जांदे चनाब दूर पै जांदे जी। हां, चनाब नजदीक है ते जग्गू ऐड दूर है? ओ साडे नजदीक है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई जान किधर है? वेले फिरन। गुजराती हो? जी गुजराती है। अच्छा, ते की करन आए हो ते? सैर वेले। अच्छा, सैर ते वेले, वेले ही बंदे बंदे सैर करदे ने। ते की महसूस कर रहे हो इत्थे आके तुसी? महसूस ठंडा ठंडा ही कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो पूरा? ठीक हो गया। भाई जान तुहानू खुरक पई है? जी खुरक पै गई अज। जनाब जैसा कि दोस्तों गल बात कराईए ते इत्थे भी है ने कोई दोस्त जनाब, इन्हां नाल भी गल करा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाजी, की हाल है जी? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। भाई इतने रहने वाले हो? नहीं, हम खारियां से हैं। खारियां से? खारियां किस जगह से? खारियां गुलियाना गांव शहर, उधर से हैं। अच्छा, गुलियाने तो आए हो तुसी, ते इतने की करने आए हो? इंजॉय करने आए हैं क्योंकि सब पार्क वगैरह बंद पड़े हैं ना, तो इसकी वजह से हम निकले थे किला रोहतास के लिए, तो रास्ते में पता चला वो बंद है तो हम फिर यहाँ पर स्टे कर लिया है, तो यहाँ पर अच्छा इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है और फुल इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ते कल ही आए हो? नहीं, कुछ दोस्त हैं मेरे साथ आए हुए हैं। वो किधर गए? नीचे नहा रहे हैं, इंजॉय मस्ती कर रहे हैं। हम कुछ खाने के लिए लेने आए हैं, कुछ आम वगैरह इस तरह का फ्रूट वगैरह लेने आए हैं। अच्छा, तुसी भी नहाते हो? नहीं, मैं नहीं अभी नहाया, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। यार बंदे ईद नहाते हैं जो बिल्कुल नहीं नहाते, ईद तुसी तो नहा लो। हम घर में नहा के आए हैं, अभी बस इधर नहाएंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਚਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਾਚਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਚਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? ਗਰਮੀ ਇਧਰ ਕਿਹਾ, ਇਧਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਡ ਸੜ ਗਈ। ਕੰਡ ਸੜ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੰਡ ਠਰ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਕੰਡ ਠਰ ਗਈ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਕੰਡ ਸੜ ਗਈ? ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚਾਸਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਸ ਥੱਲੇ ਆਈ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ? ਦੋ ਕਰੋ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ? ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਅਪਨ ਤੇ ਸਪਨ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਅਪਨ ਤੇ ਸਪਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ। ਕੌਣ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਫ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ जवाब चलो इस गल छो इस गल छो असी सवाल थोड़ा चेंज कर लीए ए जो बन्ने इन इन तहमत कहते हैं तहमत आते हैं तहमत कहते हैं एक ही चीज है ठीक हो गया तो एक बकरा छे फुट का रस्सा गले एक बकरे के गले छे फुट का रस्सा है भी फुट दूर पट्ठे पे ने वो किस तरह खा रहे खा भी मुसलसल रहे रस्सा त्रोड़ लेगा या कोई वड़ देगा रस्सा कोई साढ़े जहाँ कोई वेखेगा भुखा बेचारा यार खोल देगा खा लेगा नहीं ना भाई वो खा रहा है तुसी जिस टाइम देखे पट्ठे खा रहा है अच्छा जिस टाइम देखे पट्ठे खा रहा है आ गया पट्ठे खा रहा है रस्सा गले जी है बाकी है खुले है पट्ठे खा रहा रस्सा खुले है गले जी छे फुट का पूरा है ठीक है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू जनाब शुक्रिया असि साढ़े तो भाजी वाला साहब यतीम ने तो सू पानी तो डर लगता असी जनाब थोड़ी गपशप लवाई है जनाब दोस्तों दोस्तों गलबात कराई है और बड़ा मज़ा आया तो दूसरी जनाब असी थोड़े ना गल करनी चाहते हैं जोड़े दोस्त अहबाब देख रहे हो साड़ी वीडियो साड़ा अगर कैमरामैन दिखा सके जग्गू हैड असी नहर से मौजूद हाँ और नहर के जनाब ओजरियाँ आंदरा वगैरह जड़िया ने बंद ने सटियां ने तो लिहाजा असी रिक्वेस्ट करने हैं तमाम दोस्तों अगे जे साडे वीडियो नू देख रहे हैं या जे बाद ही देखण दे कि बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे कि माहौल नू खराब ना करो जैसा कि आवाम इत्थे नहा रही है कितनी आवाम नहा रही और ये तुसीं गंदगी सटदे हो गंदगी की वजह तो माहौल जिहड़ा आलूदा हुंदा है और बीमारियां फैलदियां ने तो मेहरबानी करके तो ये ओजरियां आंदरा वगैरह जिहड़ा ने ये ना सटिया करो तो असी चलने हैं जनाब अगे दोस्त अहबाब मौजूद ने जनाब असी गलबात जनाब करने ते ए भाई इन्हों का की हाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी भाई जन की हाल है जी शुक्र अल्लाह पाक दा ठीक ठाक तुसी सुनाओ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा बड़ा एहसान है ते भाई केड़ी जगह तशरीफ लै आए हो असी कोटला तू कोटला तू ते इत्थे की करन आए हो इत्थे बस इंजॉय करन आए जी अच्छा इंजॉय करन आए हो तुसी ते कैसा महसूस कर रहे हो इत्थे आके इत्थे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी जी ए एक तफरी प्रोग्राम है बहुत बड़ा बेहतरीन ठीक हो गया ते पढ़े लिखे लगदे हो मनु बस कोई नॉर्मल जे मैट्रिक पढ़े हम ओ केड़ी ऐसी चीज है जड़ी है तुम्हारी लेकिन इस्तेमाल दूजे कर दे इदा नहीं जे पता ए मोटरसाइकिल ही हो सकदा जी नहीं मोटरसाइकिल नहीं है साइकिल फिर कर लो ए भी नहीं है मैं दसो उस ने ए फिर सरकार मोबाइल कर लो मोबाइल भी नहीं है बस फिर नहीं पता जे सरकार है हमें नहीं पता नहीं है भाई ने पूछो अच्छा तुसी दसो सरकार नेम है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਦ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 21 ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾ ਤੁਸੀਂ 21 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 1 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 21 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਣ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਣ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਆ अच्छा अगला सवाल जनाब असी करने हैं भाईजान कैमरामैन अगे आओ जी अगे आओ की हाल है ठीक ठाक अल्लाह शुक्र है अच्छा इमरान ते कासम इमरान ते कासम अच्छा इमरान दी अम्मी दे तीन बेटे ने इमरान दी अम्मी दे तीन बेटे ने
आशम ते रफान। तीसरे का की नाम? तीसरे का जो दिल है रख लो। नहीं जो दी अम्मा ने रखे ओही नाम है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤਰੇ ਪਰ ਦਵਾ ਦਵਾ ਤ੍ਰਿਜਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੁਣਾ ਇਧਰ ਆਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਗਵਾਚੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲਿਕ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਛਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਟਨ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਹੈ ਬੀੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਰਾ ਆਵੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਆ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਜੀ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ।